जैसा कि विधायक क्या मंत्री भी शर्मा जाए। युवाओं में ऐसा क्रेज कि बड़े बड़े नेता पानी मांगने लगे और सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम नहीं। जी हाँ, इन दिनों राजस्थान में छात्र नेता निर्मल चौधरी का जलवा किसी विधायक या मंत्री से कम नहीं है। दरअसल 23 जनवरी को जयपुर के महारानी कॉलेज में हुए थप्पड़ कांड के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जहां इस कांड के बाद गहलोत सरकार ने निर्मल चौधरी की सुरक्षा जाब्ता बढ़ा दी है, वहीं थप्पड़ कांड के बाद निर्मल को लेकर छात्रों और युवाओं में क्रेज रातों रात आसमान पर पहुंच गया, जिसका एक नजारा निर्मल चौधरी के 7 फरवरी को बाड़मेर पहुंचने पर दिखाई दिया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे निर्मल चौधरी के इस दौरे में एक तरफ जहां युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा में 2 डीएसपी, आधा दर्जन से अधिक थानेदार समेत कई बंदूकधारी जवान भी दिखाई दिए। इसके अलावा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे निर्मल चौधरी का जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक रास्ते में युवाओं ने जगह जगह स्वागत किया और सोफा पहनाकर सम्मान किया। वहीं अपने संबोधन में निर्मल चौधरी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पूरे राजस्थान में जा रहा हूं, लेकिन गांव में शिक्षा के हालात काफी खराब है और ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य महज घोषणाओं में ही लटक कर रह गया है। सरकार से मेरा निवेदन है, क्या बात करते हो खेलों की शिक्षा की, कहां तो मैदान है कहां शिक्षक है। आप गांव के अंदर, आप लोगों की डाणियों के अंदर जो स्कूल बने हुए हैं उनके अंदर ना शिक्षक है, उन भवनों की हालात बड़ी जर्जर है। तो दोरों की धरती आपको सोना दे रही है, तो आप लोगों को इधर विकास की गंगा बहानी चाहिए। ये मेरा आपके इस बजट के अंदर यह निवेदन रहेगा कि शिक्षा के आधार को मजबूत करना है इस दोरों की धरती में, क्योंकि यहां बड़े लोग मेहनती लोग है। यहां की सरहद दूसरे देश के आप लोगों के बिल्कुल नजदीक और पास पड़ती है, लेकिन कभी घुसपैठियों की हिम्मत नहीं होती है कि इधर कोई घुसपैठ करने की हिम्मत कर ले, क्योंकि आप लोगों की ताकत से, आप लोगों की मजबूती से वो लोग वाकिफ है कि ये बड़े ईमानदार और मजबूत लोग हैं। इसलिए वो जहां कमजोर लोग होते हैं वही घुसपैठ लगाने का कार्य करते हैं। आपको बता दें कि महारानी कॉलेज थप्पड़ कांड के बाद निर्मल चौधरी ने महासचिव पर एफआईआर दर्ज करवाकर राजस्थान पुलिस से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे अरविंद के खिलाफ या की जा चुकी है? जी, मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है थाने के अंदर, और प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द ऐसे आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करके उसके ऊपर बंदिश डालिए, नहीं तो ये बेलगाम होके इस समाज के अंदर गुंडागर्दी और इस समाज के विपरीत कार्य करेंगे, जिससे युवा और भटकेंगे। हालांकि घटना के कुछ दिन बाद ही दोनों छात्र नेताओं के बीच जाट नेता विजय पुनिया ने सुलह करा दी थी। इस सुलह के दौरान निर्मल और अरविंद ने एक दूसरे को गले लगाकर दोस्ती जाहिर की थी और छात्र हित में काम करने की बात कही थी।